आपने यहाँ पीछे की ओर, मैं जब यहाँ पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा परिक्रमा के दौरान की एक पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर, उसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है ऊपर एक सनातन धर्म जी, स्वर्णिम भारत, अंधविश्वास पाखंड मुक्त भारत। तो ये मेरा एक्चुअली दिया हुआ एक टैगलाइन है जी। मैं मानता हूँ कि आपको अपनी जड़ों से भी जुड़ के रहना है बिल्कुल, लेकिन और जो आधुनिकता का एकदम एक्सट्रीम जो स्टैंडर्ड है वहाँ भी आपको पहुँचना है। तो अगर हम एक तरफ हम जड़ से जुड़ी रहें और दूसरी तरफ आसमान में उड़ते रहना, तो हमारे संस्कार संस्कृति भी हमारे ज़िंदगी में होंगे और जो हमारे भीतर आधुनिक सोच है वो भी हमारे साथ होगी। मुझे ये बताइए, जब वहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं, साथ ही साथ में ये भी लिखा गया है कि पाखंड से दूर रहें, अब क्योंकि मैं कड़ियाँ जोड़, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे अंदर क्यूरोसिटी नहीं होगी तो हम अपना काम सही से नहीं करें। जब हम कड़ियाँ जोड़ते हैं तो आप एक्टर बनना चाहते थे और उसके बाद आप बाबा बन गए, तो इस चीज पर कभी प्रश्न नहीं किया गया आपसे? ये बेहतरीन प्रश्न है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रश्न। हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। भैया बनने की कोशिश करो, लेकिन ये भी तो समझने की कोशिश करो कि आप किस लिए बने हो जी। हम बनना चाहते हैं, ये हमारा अपना सोच है जी। लेकिन हम किस लिए बने हैं इस बारे में हम कभी नहीं सोचते जी। मैं 12 साल से जिंदगी जी रहा हूँ, केवल इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि जो हमें बनना था एक सही समय पर उस तरह का इंस्टिंक्ट भीतर से हुआ जी। और मैं उस रास्ते पे चला और जो आज मैं 12 साल से जी रहा हूँ एक्चुअली वो मेरे अनसीन कैरेक्टर का एक स्केच था। जितने भी ज्योतिषाचार्य मेरी कुंडली पर आजमाइश करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि को उसमें लगाते हैं जी। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई होती तो डिवोर्स हो गया होता। मतलब ये आप यू वर जैसे हैंड रिटन टेलर मेड था कि आपको बाबा बनना है आपकी किस्मत में। फैक्ट है, देखिए अभी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं कि उसको देखकर के हम आसानी से समझ लेते हैं कि छोटा सा बच्चा अचानक इतना प्रसिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुर में गाता है, बहुत मीठा गाता है। तो वो किसी टीचर के पास नहीं गया लेकिन फिर भी इतना अच्छा गा रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में जो इकट्ठा किया था संस्कार वो इस जन्म में काम आता है। याद रखिएगा, आपका पैसा रुपया सब खत्म हो जाएगा इस दुनिया में इस शरीर के साथ, लेकिन जो आपके पास ज्ञान इकट्ठा होता है ना, चाहे वो संगीत का हो, चाहे नृत्य का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे आत्मा का ज्ञान हो, वो जितना आपने इकट्ठा कर लिया वो कभी नष्ट नहीं होता। जब जब आपका बर्थ होगा आपको वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट मिलेगी। हम अध्यात्म पर भी आएंगे, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के समय पर जो सबसे बड़े प्रश्न ये रहता है वो ये रहता है कि जब हम पाखंड की बात करते हैं तो ये भी बात रहती है कि काफ़ी बहुत बड़े बड़े नाम इस समय जेल के सलाखों के पीछे है, तो आप पर भी इस तरह के आरोप लगते रहते होंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं लगा, आज तक कभी नहीं लगा। बस इतना ही लोग कह देते हैं गाहे बगाहे कि बाबा ठरकी टाइप के लगते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है। हाँ, जो बोलते हैं बाबा वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ये भारतीय संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि वेस्टर्न को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए ऐसा है, जितने भी बाबा लोग हैं, सम काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, वो कहती कि कपड़े ऐसे पहनो, सुबह शाम ऐसे लड़कियों को निकलना चाहिए। छोटी सी बच्ची होती गोद में लेकर के आप कितने प्यार से वात्सल्य से, वही जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो आप फिर आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो वो नज़रिया उस बच्ची के लिए क्यों नहीं हमेशा स्टिल रह सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि व्यक्ति को अपनी सोच में ना बदलाव लाना होगा आवश्यक। हम निजी तौर पर तो बहुत अपग्रेडेड लाइफ जीते हैं ना, आजकल टीवी जो चलता है घरों में जी, वहाँ पे कौन सा विज्ञापन किस समय आ जाएगा, किस फॉर्मेट में आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते जी। फिर भी साथ में एक छोटा बेटा बेटी, मम्मी पापा, एडल्ट बच्चे सब जाके थिएटर में भी पिक्चर देखते हैं जी। जब हर जगह आप ओपन माइंडेड हैं तो लाइफ में हर मुद्दे पर बात भी करिए ना। समाज में क्या है, हर चीज़ हम जानेंगे, भक्ति भजन सब करेंगे बात, ठीक है, लेकिन सेक्स पर जब बात करना होगा तो तुरंत अंदर से भी टैबू कंसीडर किया जाता है। मतलब लोगों को ना लगेगा कि यार क्या, कितनी गंदी बात हो रही है, ऐसा थोड़ी ना है। और साथ ही साथ में ये ऐसी एक कंट्री को लग रहा है जिसमें 130 करोड़ की आबादी है। और फिर उसके पता है यहाँ पर अगर कोई बाबा बात कर दे तो फिर उसको लेकर के लोग कहते हैं अरे इनको तो बात ही नहीं करना चाहिए।
भैया वात्स्यायन कितने बड़े मुनि थे और कामसूत्र को उन्होंने लिखा है, ठीक है। भगवान शंकराचार्य से जब भारती जी मंडन मिश्र की पत्नी ने जब वाद विवाद किया तो उनसे इसी विषय पर प्रश्न किया था और भारती को लगता था ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। फिर बाद में एक लंबी प्रक्रिया है कि शंकराचार्य जी अपना शरीर छोड़ करके एक राजा के शरीर में जो मरने को तैयार था, मतलब मर गया था, उसमें घुस गए, पत्नी के साथ रहे, राजसी जिंदगी देखे, गृह जीवन का अनुभव लिए, फिर अपने शरीर में आकर के भारती से शास्त्रार्थ उत्तर देने के लिए।